ओके गाइस, तो मैं हो चुका हूँ तैयार, कुर्ता शुर्ता लगा लिया है, अब हम जाएंगे एंड पूजा वूजा करेंगे। और उसके अलावा घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू है, कुछ एक साइड का बंद चल रहा है, एक साइड का चल रहा है, ऐसा कुछ है, तो वो मैं जाके देखूंगा और फिर पूजा वूजा करते हैं, देन करते हैं वीडियो की एडिट, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं मैंने प्रैंक अपलोड नहीं किया, तो मैं आज एडिट करके अपलोड करूंगा। गुड मॉर्निंग, हमारे यहाँ कुकिंग चल रही है। और एक स्ट्रेंज चीज, मैं नीचे आया तब तक इलेक्ट्रिसिटी वापस आ चुकी थी। मैंने मम्मी को बोला, अरे किसने कर दिया? मम्मी ने बोला तूने नहीं किया? मैंने बोला नहीं। फिर मम्मी को मैंने बोला मैं और उस साइड जहाँ पे हमने गणेश जी की मूर्ति रखी है ना, वहीं पे बंद हुई थी। और मैंने बोला मैंने नहीं किया, मम्मी बोला तूने किया, झूठ बोला। अरे कसम में खिलवा दी इतने में, और सच में मैंने नहीं किया था। मैंने ऊपर से अभी ब्लॉग में बोला कि यार इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू है, पर यहाँ पे कभी कभी क्या है, दो अलग अलग घर का एक जॉइंट हमने बनाया है ना, मतलब मैं बताता हूँ आपको, देखो जैसे वो बंगलो किसी और का है, ये वाला बंगलो किसी और का है। हम लोगों का क्या है, हम लोगों का ऐसे दो बंगलो लिए हैं, उसमें से बीच की जो पूरी दीवार तोड़ दी है और उन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, तो एक हमारा ऐसे पूरा बंगलो हो गया। तो टेक्निकली हमारे टू बंगलोस है, पर एक बंगलो है। और एक और चीज़ क्या है, जो ये टॉरेंट पावर है, टॉरेंट पावर है, उन लोगों ने बोला है अगर आपने घर ज्वाइन किया तो हम दो अलग अलग मीटर आपको नहीं दे सकते। मैंने बोला क्यों, बट दो मीटर नहीं दिया तो एक ही मीटर के ऊपर दो बंगलों का लोड चल रहा है। तो कभी भी क्या होता है कि नीचे का बहुत हैवी एसी ये वाला, उसके अलावा स्टूडियो रूम्स अगर बहुत सारे एसी चल रहे होते हैं तो स्विच ट्रिप डाउन हो जाती है, या फिर कुछ ज़्यादा ही लोड आ जाता है। तो फिर कभी कभी टॉरेंट वाले कुछ रिपेयरिंग में चल रहे होते हैं ना, तो आधा घर बंद हो जाता है, आधा इधर से नहीं होता। पर ये होता है लाइक साल में एक दो बार, तो वो ठीक है मतलब, बट हाँ ट्रिपिंग बहुत बार होती है, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है अगर नीचे का एसी चालू हो तो ऊपर के दो तीन एसी चालू नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक या दो चालू होने चाहिए, वरना स्विच ट्रिप हो जाएगी। तो टेक्निकली इस तरफ की सारी लाइटें बंद हो चुकी थी जब मैं ऊपर था, और अभी लाइटें आ चुकी है। पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, और अब दिखाता हूँ मैं आपको हमारे गणपति पापा जी। देखो आरती की भी तैयारी हो चुकी है, और ये है हमारे पापा मोरिया रे, पापा मोरिया रे। तो यार पूजा वूजा करते हैं, आरती वारती करते हैं, भगवान को खाना खिलाते हैं, फिर खुद खाना खाते हैं, उसके बाद मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ। हेलो मामा। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो मॉर्निंग हो चुकी है एंड बहुत ही फटाफट रेडी हो जाती हूँ, एंड मैंने ऑलरेडी रात को प्रिपरेशन करके रखी थी कि मॉर्निंग में मैं क्या प्रसाद बनाने वाली हूँ एंड मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो मैं जाती हूँ फटाफट फ्रेश होके आपको मिलती हूँ। चलो पूजा हो गई, आरती हो गई है, देखो गणपति बापा कितने मस्त लग रहे हैं। अभी मैं जाऊंगा और एडिटिंग करूंगा, क्योंकि इट विल बी फन, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मेरा प्रैंक आने वाला है। अभी कोशिश करेंगे रेगुलर है, बहुत सारे काम थे बीच में, काफी स्ट्रेस था, एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से रह गए थे। मैं नाव आके फ्रेश होकर रेडी हो गई हूं, मैंने पहनी है साड़ी, एक मिनट में दिखाती हूं। तो मैंने पहनी है ये साड़ी है मेरी, पिंक कलर की। प्रशा में धराने वाली थी, पर दिव्य पता नहीं क्या शूट कर रहा था ना, मेरा भाई शूट कर रहा था, और इसके ऊपर ये देखो प्रूफ है कि ये इसके ऊपर गिर गया। दिखा 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 दिखा, इंस्टेंटली मैंने ये वाली चीकी धराई। अभी मेरे साथ सीन हो गया, मैं बाहर फोटोग्राफ क्लिक करने आई और दरवाजा बंद कर दिया, कोई सुन भी नहीं रहा। गाइस, तो मैं एडिटिंग करने बैठा था, और एडिटिंग में भाई इतना कंसंट्रेशन करके एडिटिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और टाइम टू टाइम अपलोड होगा उसका टेंशन भी है मेरे को एक तरफ से, और दूसरी तरफ मम्मी ने बोला यार एक अंकल के वहाँ पे जाके टिफिन देने का है, और मैंने बोला यार ठीक है। उसके बाद भावेश भाई को पूछा, उनके उन्होंने बोला कि आज मैं एक्टिवा नहीं लाया हूँ। शंकर को पूछा, शंकर पता नहीं शंकर का क्या हुआ, शंकर नहीं था बाहर था। अच्छा शंकर बाहर था, तो मैंने बोला ठीक है चलो जाके आता हूँ। और पता है इसी रीजन से मैं ना कोशिश करता हूँ कि रात को ही जाके एडिट कर लूँ, क्योंकि रात को कुछ काम नहीं होता है, रात को सिंपल सा बैठ के एडिटिंग खत्म हो जाता है, पर फिर हेल्थ इशू होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार थोड़ा सा रात को जल्दी खत्म कर दूँ जो काम है, बाकी का दूसरे दिन करूँ, तो फिर ये इशू रहता ही है। इसको थोड़ा बैलेंस करने का रास्ता निकालने की अभी जुगाड़ करने की ट्राई कर रहा हूँ मैं, अभी तक बस थोड़ा सा पहुँचा हूँ वहाँ पे, 10%, 90% अभी सोचना बाकी है। और जब जेन्यूनली जब बहुत लेट हो रहा हो ना, तब सारा ट्रैफिक सिग्नल ये वो सब मिलेगा ही मिलेगा, ये फिक्स रखा है, मतलब ये है ही, मतलब जो है यही है। हम लोग निकल गए हैं, तो शाम के पूजा की और प्रसाद की सारी चीजें लेनी है, एंड यस मुझे बताना कमेंट में साड़ी में कैसी लग रही हूँ। तो हम लोगों ने डीमार्ट में सारी चीजें ले ली, फटाफट जा रहे हैं बिलिंग के काउंटर पे। सो अब हम खाने का भोग लगा रहे हैं, मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने साड़ी पहनी है इस तरह से,
सो ये पूजा शुरू हो गई है और ये मेरी फ्रेंड पूजा प्रसाद बन रहा है और तीन तीन लोग प्रसाद के पीछे हैं। मैं तो जन्म की ड्राइव टू सर बाकी सारा कर रही हूँ। एक दो तीन चार गणपति नो जय जयकार। गाइस अब भी जस्ट पूजा पाठ खत्म हुई है, सब गेस्ट भी आए थे तो सबका खाना पीना हो गया है और अब हम विसर्जन के लिए शुरू करेंगे। तो पर उसके पहले मैं एक बार हिरण को दिखा दूंगा। तो हिरण को ना मैंने अभी फोटो भेजी है ना वीडियो की है, कुछ भी बात ही नहीं की है। तो पहले मैं उसके साथ बात करूँ फिर हम लोग विसर्जन के लिए निकलेंगे। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तू क्यों स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है? पता नहीं ऐसे ही अच्छी लग रही है इसलिए। मेरे ब्लॉग में ले लूंगा। ये कौन आया है? कौन आया? अरे मेरी गर्लफ्रेंड आई है। बहुत अच्छी लग रही है तू। और बातें फ्री होना तो मेरे को फोन करना। मस्त न्यूज बताता हूँ। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। ओके तो मेरा पूरा दिन तो एडिटिंग में निकल गया, थोड़ी देर के लिए सो गया था, अभी रात हो चुकी है। मैं थोड़े घर के कुछ चीजें लेने के लिए बाहर निकला हूँ और मम्मी के दांत का क्या स्टेटस है ना वो मम्मी के मुंह से सुनाता हूँ घर पे जाके। तो मैं पहले फटाफट चीजें ले लेता हूँ फिर घर पहुंचता हूँ। तो मैं घर पे आ चुका हूँ, मम्मी खा रही सैंडविच और मैंने लोगों को बोला है कि मम्मी खुद अपने मुंह से बताएगी कि दांत की सिचुएशन क्या है। ये देखो ब्रेड फंसी, दर्द होता है अब कि नहीं? दवाई की वजह से मेरे बहुत अनइजीनेस लगता है। दवाई की वजह से अनइजीनेस लगता है, मन नहीं है, कुछ खा नहीं सकते, मन ही नहीं करता खाने का। कुछ मेजर इशू नहीं है ना? कुछ इतने दिनों के बाद आज ब्रेड खा रहे हैं। वो क्या एकदम हेवी एंटीबायोटिक जाती है तो पेट में थोड़ा सा अनइजीनेस लगता है इसलिए खा नहीं पाते। और मम्मी वैसे भी ज्यादा खाती नहीं इसलिए दवाई का असर भी नहीं होती जल्दी। मतलब मुँह में अच्छा है पर पेट में अच्छा नहीं है क्योंकि खा नहीं पा रही है। अब सही है, मन नहीं करता है और दवाई हेवी होती है इस वजह से ना। क्या बता? जलन नहीं, जलन वो एसिडिटी, दवाइयाँ जाती है खाना नहीं जाता इसलिए एसिडिटी होती है। और उसके अलावा आराम नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, उसके अलावा कुछ करने का मन नहीं करता है, वीकनेस लगती है, ये सारी दवाइयों के असर है। ठीक है, थोड़े दिन में सब मिट जाएगा। अभी बैठी बोले गणपति बापा राजस्थान से फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में गुजराती खाना खाया, कैसा लगा? यम्मी, ऑसम। हिरण देख ले इतना सारा खाना है और हम लोग तेरे बिना खा रहे हैं और हमको नजर ना लगे इसलिए। गणपति बापा थे उनकी मूर्ति का विसर्जन हो गया बट वो हमारे साथ में ऑलवेज रहेगा, उनकी ब्लेसिंग रहेगी। अब हम लोग निकले हैं, मेरे भाई आया था जो कल हमारे घर पर दर्शन के लिए, उसके वहाँ पे 5 दिन के गणपति है तो मैं वहाँ जा रहे हैं हम सब दर्शन के लिए। बस दीयक ने बोला है देखो भाई आज मैंने छुट्टी ली थी, आज मैं फ्री हूँ, तुमको जहाँ ले जाना है वो ले जाता हूँ और फिर कल या परसों तो वापिस मैं जा रही हूँ बाहर, तो जाना दिक्कत वाला हो जाएगा। इसके लिए अभी रात के 10:30 बज रहे बट स्टिल हम लोग अभी जा रहे हैं दर्शन के लिए। बहुत ब्यूटीफुल है। सो गाइस घर पे आ गई हूँ पर अभी मुझे सारे बर्तन करने हैं। फीलिंग है ना कि यहाँ पे 1.5 दिन से गणपति जी विराजमान थे और अभी नहीं है तो बहुत मिसिंग और एम्प्टी सा फील हो रहा है। बहुत अच्छा वाला टाइम बहुत जल्दी चला जाता है, ऐसा लगता है कि अभी तो आए थे और अभी गए। और बहुत सारे लोग बोले थे मुझे कमेंट में कि इतना जल्दी तो हाँ मेरे घर पे 1.5 दिन के गणपति बैठे हैं। हम लोग करीबन 20 साल हो गए हैं जो गणपति बिठा रहे हैं। सो गाइज मैं सारा काम खत्म करके नीचे आ गई हूँ, अभी करीबन 1 बजने आ रहा है एंड अब मैं मेरे सारा ये मेकअप सब हटाऊंगी, ज्वेलरी निकालूंगी, साड़ी निकालूंगी एंड बहुत सारा टाइम लगेगा तो मैं एक काम करती हूँ पहले मैं सारी चीज़ें हटा करके आती हूँ। सो मैं अभी मेरी ग्रीन टी पे रही हूँ। थैंक यू सो मच आपके लव एंड सपोर्ट के लिए। मिलते हैं, बाय, लॉट्स ऑफ लव। जय माता दी, गणपति बाप्पा मोरिया।